लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महाराष्ट्र दौरा और शिवसेना यूबीटी प्रमुख एवं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की घोर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि जब आप महाराष्ट्र जा ही रहे थे तो उनसे एक बार ज़रूर सवाल कीजिएगा कि बिहार के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को अब तक न्याय क्यों नहीं मिला। जिस वक्त यह घटना हुई थी तब उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री थे। अपने स्वार्थ के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहारियों का अपमान भूल सकते हैं तो आने वाले चुनाव में बिहारी भी उन्हें भूलने में परहेज नहीं करेगा। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफील रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफील लाइफ डायबिटीज फ्री लाइफ। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहारियों के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। वहीं कुर्सी के लिए उन लोगों से भी हाथ मिला सकते हैं जिन्होंने बिहारियों को अपने घर में जलील किया है, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत जैसे सफल अभिनेता के परिजनों को न्याय से वंचित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिन्होंने बिहारियों का अपमान किया, गोबर का कीड़ा कहा, बिहारियों से जो नफरत करते थे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हीं लोगों से मिलने जा रहे हैं। वहीं उस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वह दृश्य भी याद दिलाइए जब महाराष्ट्र में बिहारियों को बेरहमी से पीटा जा रहा था, जब बिहारियों के सब्जी ठेले को पलट दिया जा रहा था और बिहारियों को बाहरी कर मारा जा रहा था। चिराग ने कहा है कि नीतीश कुमार अपनी स्वार्थ के आगे सब कुछ भूल चुके हैं और विपक्षी एकजुटता का बहाना करके उन्हें लोगों के शरण में जा रहे हैं जो बिहारियों को पसंद नहीं करते हैं। जी हां, बता दी कि सुशांत सिंह राजपूत की मुंबई में सुसाइड की घटना सामने आई थी जिसको लेकर अभी तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला है, जिसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महाराष्ट्र दौरा और शिवसेना यूबीटी प्रमुख एवं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की घोर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जब आप महाराष्ट्र जा ही रहे थे तो उनसे एक बार जरूर सवाल कीजिएगा कि बिहार के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को अब तक आखिर न्याय क्यों नहीं मिला। जिस वक्त यह घटना हुई थी तब उद्धव ठाकरे ही वहां के मुख्यमंत्री थे। अपने स्वार्थ के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहारियों का अपमान भूल सकते हैं तो आने वाले चुनाव में बिहारी भी उन्हें भूलने में परहेज नहीं करेगा।